Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। पहले नमन करो। हे दीवा, ये तुम्हारे महल से भी बड़ा कक्ष है। मनो दीदी, हम लोग यही रहेंगे ना? नहीं नहीं, हम तो झांसी महल में रहेंगे। तब तो बड़ा मजा आएगा। कितना सुंदर है ना? हाँ। रहने दीजिए मलिका यालिया, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। कितनी खूबसूरत नक्काशी है ना? जी, खूबसूरत तो अवश्य है, परंतु इसमें हमारे आजोबा का अपार स्नेह भी है। मन्नो दीदी, अगर उस रात दुर्गा माँ की ये मूर्ति होती तो आपको कोई पकड़ नहीं पाता। हे अल्लाह, क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक भटके हुए भाई को सही रास्ता दिखाने का अवसर मिला था। हमने सुना था कि उरई में आपके साथ कोई हादसा हुआ था। हुआ तो था, परंतु हमारे साथ जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। ना उस रात ये घटना घटती, ना हमें एक भाई मिलता, और ना ही हमें अपने हत्या के षड्यंत्र का पता चलता। षड्यंत्र? आपका मतलब है साजिश? जी, साजिश हुई थी, और हमें पता चला है कि इस षड्यंत्र में झांसी महल की एक औरत भी शामिल थी, जो इन फिरंगियों से मिली हुई है। साजिश इस हद तक बढ़ गई कि हमारे होने वाली मलिका साहिबा की जान के पीछे पड़ गए लोग। हमें दुख इसका नहीं है कि हमें मारने का षड्यंत्र रचा गया है, बल्कि दुख इस बात का है कि अपने ही लोग इन फिरंगियों का साथ दे रहे हैं। देखिएगा, मैं उस औरत को अवश्य ढूंढ निकालूंगी। सुरक्षा दस्ते से कहो कि भीड़ हटाए, हम अंदर जाएंगे। हिरण सर, भीड़ हटाइए सामने से। ये क्या है? हम अंदर जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, हमें आदेश है कि सुरक्षा की दृष्टि से महारानी मणिकर्णिका से किसी को नहीं मिलने दिया जाए। मूर्ख, हमें महाराज ने भेजा है, हम महारानी का स्वागत। क्षमा कीजिएगा, सेवक आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। महाराज की जय हो। दादाजी, ये सब यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, वधु पक्ष के स्वागत के लिए जो थाल जा रहे हैं, उन पर वर की एक दृष्टि पड़ना शुभ होता है। महाराज गंगाधर राव। वहीनी सर। वहीनी साहेब,
कैसी वाहिनी? आप झांसी नरेश हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास सत्ता है, आप चाहे तो धूल को माथे पर लगा ले तिलक बनाकर, और चाहे तो जिसे तिलक बनाना चाहिए उसे मिट्टी में मिला दे। देखो कितना सुंदर लहंगा है मन्नू दीदी, इसको एक बार पहने ना, बहुत अच्छी दिखोगी। लगता है महाराज हमारी मन्नू दीदी को बहुत चाहते हैं। हम महाराज को षड्यंत्रकारी औरत का नाम बताएं। से रखो। हाँ तात्या, सब तैयार है? हाँ जी काका, सब तैयार है। मिठाई का थाल कहाँ है? काका यहीं तो रखा हुआ है। और फल भी तो थे। काका आप अपनी आंखें घुमाइए, ये देखिए ये फल रखे हुए हैं। और महाराज के राजसी वस्त्र? काका राजसी वस्त्र भी यहीं है, ये देखिए आप। मैं समझ रहा हूं काका, आप चिंतित ना हो, अब ये तात्या कोई अपशकुन नहीं होने देगा। हम झांसी नरेश को पत्र लिख रहे थे। क्या लिखा मन्नू दीदी? सुनो, झांसी नरेश गंगाधर राव महाराज को हमारा अभिवादन। इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहते हैं कि झांसी महल की एक संभ्रात महिला ने फिरंगियों के साथ मिलकर हमारी हत्या का षड्यंत्र रचा। हमें अपनी हत्या की चिंता नहीं है, आप यहाँ? जी वो बस आपकी दासी बता रही थी कि आपने हमें याद किया। हाँ हमने बुलाया था। जी फरमाइए, बंदी हाजिर है। हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। झांसी में सबसे पहले हमारा स्वागत आपने किया था, इसलिए इस छोटी बहन की ओर से इस उपहार को स्वीकार कर लीजिए। ये विघ्नहर्ता है। मन्नू दीदी बताओ ना, आपके पास क्या शख्स है? दिखाती हूँ। मणिकर्णिका को रास्ते से हटा दिया जाए। ये सिक्का इसके पास कहां से आया? ये है वो साक्ष्य जो हम पत्र के साथ महाराज तक पहुंचाएंगे। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।